नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल डे में। आप जानते हैं हर बार की तरह इस बार भी मैं बहुत ही अच्छा वीडियो लाया हूँ। खेती किसानी से संबंधित मैं सभी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ और बाकी जो भी योजनाएं होती वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ किसान भाइयों की जो कृषि मंत्री की पहल से किसानों को शीघ्र 52 राशि की बोनस राशि जो मिलने वाली है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये राशि जल्द ही किसानों के खातों में आना स्टार्ट हो जाएगी। चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। 450 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। कृषि मंत्री कमलनाथ पटेल जो कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन के फिलहाल है, तो इस तरीके से उन्होंने 450 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। जल्द ही 500 रुपये कुंटल सोयाबीन पे और 160 रुपये कुंटल गेहूँ पे आपको बोनस राशि के रूप में 2018-19 की राशि भी आपके खातों में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपको पूरी जानकारी वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरीके का कौन कौन से ईयर का आपको बोनस मिलने वाला है, कितना बोनस मिलने वाला है और क्या क्या घोषणा हुई है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रत्येक किसान को 500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बोनस की राशि दी जाएगी। कृषि मंत्री की पहल से किसानों को शीघ्र मिलेगी भावांतर व बोनस की राशि। मौसम की मार से बर्बाद हुए खरीफ फसल के बाद किसान को वर्ष 2019 में अति वर्षा से खराब खरीफ फसल के बीमा क्लेम की राशि की बड़ी आशा बांधी हुई थी। किसानों को मानना था कि बीमा क्लेम से कुछ हद तक खरीफ फसल के नुकसान की भरपाई हो सकेगी, लेकिन बीमा क्लेम की राशि ऊंट के मुंह में जीरा बराबर मिलने से किसान के सारे अरमानों पर पानी फिर गए। ऐसे में वर्तमान सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान कमल पटेल की पहल से शीघ्र ही अच्छी खबर मिलने वाली है, जिसमें कृषि मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2018 में खरीफ फसल के विक्रय के समय प्रदेश की मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि किसानों को भावांतर के रूप में 500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद किसान विरोधी सत्ता पर काबिज हो गई सरकार। तब हमने कांग्रेस सरकार से कहा कि किसानों को भावांतर की राशि दी जाए, लेकिन सरकार को यूं तक नहीं रहा। लेकिन अब अंदाजा चिंता ना करें, प्रदेश की बागडोर किसान खुद के हाथों में है। भाजपा सरकार से ही किसानों के हित में सर्वोपरि मानते हुए हर संभव मदद के लिए तैयार रहती है, लेकिन एक किसान ही है जो दिन रात मेहनत करके प्रदेश के 8 करोड़ जनता का भूख मिटाता चला आ रहा है। किसान भाइयों, 450 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया कृषि मंत्री श्री कमलनाथ पटेल जी ने। प्रदेश के 20 लाख से अधिक किसानों के द्वारा वर्ष 2018 में खरीफ फसल सोयाबीन को विक्रय कृषि उपज मंडियों के माध्यम से किया गया था, जिस पर वर्तमान सरकार भाजपा सरकार ने 500 रुपये भावांतर के रूप में देने की घोषणा की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होने के बाद कांग्रेस सत्ता पर आसीन हो गई थी और किसानों मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों को भावांतर राशि देने से इनकार कर दिया। अब सत्ता में काबज होते ही भाजपा सरकार ने किसानों के हित में सर्वोपरि मानते हुए न केवल भावांतर की राशि बल्कि वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार के रवि फसल गेहूं के 160 रुपये प्रति कुंटल बोनस देने के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। 20 लाख से अधिक किसान होंगे इस योजना से अंतर्गत, लगभग 20 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। प्रस्ताव के मुताबिक सोयाबीन की भावांतर योजना के अंतर्गत 20 लाख से अधिक किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। प्रत्येक किसान को 500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बोनस की राशि खातों में जल्द ही डाल दी जाएगी। इनका कहना है श्री कृषि मंत्री कमल पटेल कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन का उनका क्या कहना है और ये भी सुनिए। भाजपा सरकार में किसानों के हित में हमेशा सरपरि रहते हैं, इसलिए 2 वर्ष पुरानी भावांतर राशि और कमलनाथ सरकार के समय बिना बोनस खरीदे हुए गेहूं पर 160 रुपये बोनस देने के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। शीघ्र ही दोनों राशि को स्वीकृत होने पर किसानों को दी जाएगी।